इधर आपको एक आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा 4 ईयर सीरीज का, और नीचे अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जहाँ पे जाके आप 4 ईयर सीरीज के पूरे वीडियोस को पढ़ के सीख सकते हो। ओके, तो दिस इज मनोज सर एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल। इस वीडियो में जो है हम लोग 4 ईयर सीरीज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज हाफ रेंज सीरीज। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, और अपने फैमिली मेंबर में जितने भी हैं उनके मोबाइल में भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और अपने दोस्तों के मोबाइल में भी सब्सक्राइब करवा के अपना सपोर्ट दिखाएं, प्लीज़, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाफ रेंज सीरीज में ये है कि क्वेश्चन कैसा पूछता है। ओके, क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो यहाँ पे क्या है, आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, पहला टाइप कौन सा है, या तो पूछे 4 ईयर कोसाइन सीरीज। ओके, या फिर इसको क्या पूछ सकता है वो, और किस नाम से पूछ सकता है, 4 ईयर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। दोनों में क्या करना है, सेम हरकत करना है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ओके, दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, 4 ईयर साइन सीरीज, या फिर इसको वो एक और नाम से पूछ सकता है, दैट इज 4 ईयर हाफ रेंज साइन सीरीज। ओके, अगर इस टाइप से पूछेगा तो इसका जो रहेगा उसको अपन अलग टाइप सॉल्व करेंगे। तो अब जो है हमको करना क्या है, एक एक करके समझना है कि अगर 4 ईयर कोसाइन सीरीज पूछे या फिर 4 ईयर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछे तो हमको क्या करना चाहिए, उसी हिसाब से हम फिर इसको बाद में जो इसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके लिए। ओके, तो जब भी आपको कोसाइन सीरीज 4 ईयर कोसाइन सीरीज पूछे या फिर 4 ईयर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछेगा, तो हमको जो फॉर्मूला का यूज करना है 4 ईयर के लिए वो क्या रहेगा, उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए क्या रहेगा, यस उसी को मैं लिखा हूँ। द 4 ईयर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में 2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन में बी माइनस ए। ओके, एक बात जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर आप जनरल फॉर्म देखोगे जो मैं लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। ओके, 4 ईयर सीरीज के प्लेलिस्ट में जाओगे लेक्चर नंबर 1 में देखना, वहाँ पे हम क्या देखते थे, 4 ईयर सीरीज में हमको क्या करना पड़ता था, तीन टर्म निकालना पड़ता है। ओके, जिसमें एक में होता है ए नॉट, दूसरे में होता है ए एन, और तीसरे में क्या होता है बी एन। तो बी एन वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, कोसाइन सीरीज या फिर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में नहीं निकालेंगे। आई बात समझ में, करना क्या है, सिर्फ ये दो टर्म को निकालना है। तो मतलब साइन सीरीज में क्या हो जाएगा, ये दो टर्म को ना निकाल कर हम क्या करेंगे, बी एन को निकालेंगे। ओके, आपको साथ में थोड़ा थोड़ा सा बताते जाऊंगा, लेकिन बाद में जो उसको अपन डिटेल में समझ लेंगे। ओके, अब एक एक चेंज और है, क्या बताओ, चूंकि यहाँ पे हाफ है। ओके, हाफ है तो यहाँ पे हमारा जो जनरल फॉर्मूला था कॉस के लिए वो अपने क्या था, 2n π x अपॉन बी माइनस ए था। अब चूंकि यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे 2 जो है हट जाएगा। ओके, तो एग्जैक्टली जो हम निकाल रहे थे, दैट इज ए नॉट और ए एन की वैल्यू को निकाल रहे थे। ओके, तो ए एन ए नॉट जो रहेगा उसमें देखो कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है, अगर आप जनरल फॉर्मूला को, ओके, अगर इसका आप कंपेयर करोगे इसके साथ, तो इसमें और उसमें जनरल फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जहां तक ए एन वाली बात है तो वहां पे ये वाला पार्ट देखो सेम है, दैट इज 2 अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स। यहां पर देखो क्या है, कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए डी एक्स लिखा हुआ है। ओके, जो कि वहां पे क्या था अपना, यहाँ पे 2 था। ओके, यहाँ पे क्या था, 2n π x अपॉन बी माइनस ए था। ये क्या हो जाएगा अपना, ए एन की वैल्यू हो जाएगी जब यहाँ पे 2 नहीं रहेगा तो। और ये हम कब लेंगे, जब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, यस या तो पूछा जाएगा कोसाइन सीरीज, 4 ईयर कोसाइन सीरीज निकालो, फिर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालो। तो जैसे हम इसको समझे हैं एग्जैक्टली इन द सेम वे हम समझेंगे अब साइन सीरीज, 4 ईयर साइन सीरीज या फिर हाफ रेंज साइन सीरीज। तो यहां पर देखिए, ये पूछने पे क्या करना है हमको, द 4 ईयर हाफ रेंज साइन सीरीज इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैं पहले कह चुका हूं अगर कोसाइन रहेगा तो हमको करना क्या है, ए नॉट और ए एन वाले टर्म्स को निकालना है, और अगर हमको यहाँ पे साइन सीरीज पूछा तो हमको करना क्या, सिर्फ और सिर्फ बी एन वाले टर्म को लेके अपने को आगे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन वही चीज को हम यहाँ पे दोहराएंगे, दैट इज एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन में बी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन में बी माइनस ए। अगेन देखो यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाफ रेंज ही है। फुल रेंज में क्या होता है, 2n π x अपॉन बी माइनस ए होता है, बट यहाँ पे क्या है, हाफ रेंज बोला है तो यहाँ पे 2 को आप इंक्लूड नहीं करोगे। ओके, बस ये फर्क है दोनों में, वेर बी एन इक्वल्स टू 2 अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स। यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर देखो क्या है, जैसे यहाँ पे 2 नहीं था तो यहाँ पे क्या होगा, 2 नहीं होगा।
डीएक्स फाइनली। तो यहाँ पे जो है हमको कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको भी जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। सभी के सभी क्या है, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलो तो ये आखिरी वाला एक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से आपको पूरे क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने मिलेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ है जो आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिया हूँ। लेकिन अगर बोलोगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन को आप सबसे आखिरी करिए। अगर आप तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो आपको आखिरी क्वेश्चन समझने में ईजी पड़ेगा, समझ के प्रैक्टिस करिए और आपको बनाने में फिर आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।